जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेली एनालिसिस बेस्ड करंट अफेयर के बारे में। साथ ही आपको मैं यह भी बताना चाहूंगी कि आज के इस वीडियो में जो भी करंट अफेयर की जानकारी दी जा रही है वो 3 से 4 कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा तैयार किए गए करंट अफेयर का एनालिसिस करके आपको जानकारी दी जा रही है। आज के इस वीडियो का टॉपिक है संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के बारे में। हाल ही में आर्थिक सुधार का हवाला देते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना को बहाल कर दिया है। हालांकि योजना के इस नए संस्करण में सांसदों को वार्षिक रूप से स्वीकृत 5 करोड़ की राशि के बजाय 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। MPLAT को अप्रैल 2020 में निलंबित कर दिया गया था। इस योजना के लिए निर्धारित राशि को भारत के समेकित कोष में शामिल कर दिया गया था। अब हम बात करते हैं MPLAT के बारे में। इस योजना की शुरुआत दिसंबर 1993 में की गई थी। इसका उद्देश्य संसद सदस्यों के लिए स्थानीय जरूरतों के आधार पर सामुदायिक अवसंरचनाओं सहित मूलभूत सुविधाओं और स्थायी सामुदायिक परिसंपत्तियों का विनिर्माण करने के लिए विकासात्मक प्रकृति के कार्यों की सिफारिश करने हेतु एक तंत्र प्रदान करना था। MPLATS योजना पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है। इसके तहत प्रत्येक संसदीय क्षेत्र को वार्षिक रूप से 5 करोड़ रुपए की MPLATS निधि प्रदान की जाती है, जो कि अब वर्तमान समय में 2 करोड़ रुपए कर दी गई है। अब जानते हैं कि MPLATS में निधियां जारी कैसे की जाती हैं और क्यों की जाती हैं। इस योजना के तहत सांसद निधि सीधे जिला अधिकारियों को सहायता अनुदान के रूप में जारी की जाती है। इस योजना के तहत जारी की गई निधि गैर व्यापगत या नॉन लैप्सेबल होती है। यदि किसी विशेष वर्ष में निधि जारी नहीं की जा रही है या नहीं कर पाते हैं तो इस पात्रता के अनुसार अगले वर्ष में जितने भी काम कराए जाएंगे उसमें यह निधि जोड़ दी जाती है और इस योजना के तहत सांसदों की भूमिका केवल अनुशंसा करने की होती है। इसके साथ ही जिला प्राधिकरण के पास कार्यों संबंधी पात्रता की जाँच करने, निधि स्वीकृत करने और कार्यान्वयन हेतु एजेंसियों का चयन करने, कार्यों को प्राथमिकता देने, समग्र निष्पादन का निरीक्षण करने और योजना की जमीनी स्तर पर निगरानी करने का अधिकार होता है। साथ ही आपको यह भी जानना जरूरी है, जिला प्राधिकरण द्वारा संबंधित जिले में कार्यान्वित की जा रही कम से कम 10% परियोजनाओं का प्रति वर्ष निरीक्षण भी किया जाएगा।